श्रीलंका इस समय सबसे भीषण आर्थिक संकट से जूझ रहा है। इसे लेकर वहां के नागरिक काफी समय से सरकार के खिलाफ सड़कों पर हैं। बीते करीब एक हफ्ते से लोगों का गुस्सा इतना बढ़ गया कि शनिवार 9 जुलाई को उन्होंने श्रीलंका के राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर लिया। वहीं कोलंबो स्थित श्रीलंका के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे के निजी आवास को भी प्रदर्शनकारियों ने आग के हवाले कर दिया। श्रीलंका में मचे इस कोहराम और अस्थिरता के माहौल को लेकर भारत में भी सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है। विपक्ष के नेता श्रीलंका के हालात के बहाने केंद्र की मोदी सरकार पर हमलावर हैं। पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस के एक विधायक ने श्रीलंका के हालात का जिक्र करते हुए दावा किया है कि कुछ समय बाद ऐसा ही बवाल भारत में भी होगा। समाचार एजेंसी एनआई के मुताबिक तृणमूल कांग्रेस के विधायक इदरीस अली ने कहा है कि श्रीलंका के राष्ट्रपति के साथ जो हुआ वही हाल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी होगा। टीएमसी विधायक इदरीस अली ने आगे कहा, वो जो वहाँ का जो राष्ट्रपति का जो हाल हुआ अभी श्रीलंका में, वो हाल तो मेरा ख्याल से यहाँ मोदी जी का हो जाएगा। मोदी जी का प्रधानमंत्री का वही हाल होगा जो हालत चल रहा है। इज वेरी बैड जो इंडिया में जो चल रहा है, मोदी जी टोटली फेलियर, प्राइम मिनिस्टर टोटली फेलियर। तब तो श्रीलंका में क्या हुआ उससे भी ज्यादा शायद होगा, मोदी जी को भी भागने पड़ेगा, मोदी जी को रिजाइन करके भागने पड़ेगा। अभी श्रीलंका का जो है भाग गया, तो ये तो शायद मोदी जी को अभी आगे भागने पड़ेगा। मोदी जी श्रीलंका से भी ज्यादा हालत तो इंडिया का खराब कर दिए नरेंद्र मोदी जी बीजेपी, तो उनको तो भागना ही पड़ेगा, रहना नहीं रहेगा। श्रीलंका में शनिवार 9 जुलाई को बड़ी तादाद में प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड्स तोड़कर राष्ट्रपति भवन में प्रवेश कर लिया था। हालांकि राष्ट्रपति भवन पर प्रदर्शनकारियों के कब्जा करने से पहले ही राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे राष्ट्रपति भवन से निकल चुके थे। इंडिया टुडे के मुताबिक श्रीलंका के राष्ट्रपति भवन में एक बंकर भी मिला है, साथ ही एक दरवाजे के पीछे छिपी हुई लिफ्ट भी मिली है। माना जा रहा है कि जब प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति भवन पर कब्जा किया तो गोटबाया अपने परिवार के साथ इसी लिफ्ट और बंकर के जरिए भाग गए। इस बात की कोई सूचना नहीं है कि वे इस समय कहां हैं। उधर शनिवार को इस घटना के कुछ देर बाद ही श्रीलंका के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने इस्तीफा दे दिया। इसके बाद श्रीलंकाई संसद के स्पीकर ने एक बैठक बुलाई। बैठक के बाद स्पीकर ने यह ऐलान किया कि राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे 13 जुलाई को पद से इस्तीफा दे देंगे। ये खबर आपके लिए लिखी है हमारे साथी अभय ने, मैं हूँ हिमांशु, देखते रहिए द लल्लन टॉक। शुक्रिया। आपको सेहतमंद बनाने, हेल्थ की दुनिया के सब हाल बताने, आपको आपकी बॉडी के और करीब लाने, एक्सपर्ट्स के जरिए आपकी अवेयरनेस चमकाने, तंदुरुस्त रहना होगा नई लत। देखिए द लल्लन टॉक पर सेहत सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1 बजे।